12 कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन हम एग्जांपल से इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। कॉन्ट्रैक्शन मींस टू मेक समथिंग स्मॉल। इन इंग्लिश लैंग्वेज वी मेक सम वर्ड्स स्मॉल बाय ओमिटिंग सर्टेन लेटर्स, दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन मींस जब हमें इंग्लिश लैंग्वेज में किसी चीज़ को, किसी स्पेलिंग को स्मॉल करना हो, किसी वर्ड को हमें स्मॉल करना हो, शॉर्ट करना हो, तो उसके लिए हम वर्ड जो टर्म है वो यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्ट मीन कि इसे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, इसे हमने स्मॉल कर दिया है। जैसा कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल में है, इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, इट्स इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज़। इट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है किस वर्ड की? इट इज़ की। डू नॉट जो है, डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है डोंट। तो हमने एग्जाम्पल से और डेफिनेशन से क्या पढ़ा कि जब भी हमें किसी भी वर्ड को स्मॉल करना हो तो हमें क्या करना है, हमें उस वर्ड को स्मॉल करने के लिए एक अल्फ़ाबेट, जैसे कि यहाँ पे इट इज़ है, हमने इट इज़ को कॉन्ट्रैक्ट किया। इसकी हमने कॉन्ट्रैक्शन अगर देखें, इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इट इज़ में इस अल्फ़ाबेट के आई को हमने नहीं लिखा। एक तो हमने इसको कंबाइन करके लिखा और आई को हमने रिमूव कर दिया, आई की जगह हमने ऊपर कॉमा लगा दिया, तो ये बन गया इट्स। तो जब भी हम किसी वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या किसी वर्ड की हमें कॉन्ट्रैक्शन करनी होगी तो उसमें हमें क्या करना है कि सारे अल्फ़ाबेट्स कंबाइन करके लिखने हैं। एक अल्फ़ाबेट उसमें ऐसा है जिसे हमने नहीं लिखना, उस अल्फ़ाबेट की जगह हमें ऊपर कॉमा लगा देना और बाकी पूरा वर्ड जो है उसे कंबाइन करके लिखना है। जैसे डू नॉट था, डू नॉट में हमने ओ नहीं लिखा, इस पूरे को कंबाइन करके लिखा, यहाँ आप देख सकते हैं ओ नहीं लिखा, ओ की जगह हमने ऊपर कॉमा दे दिया। ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन बन गई किसकी? डू नॉट की, डोंट। तो इसी तरह हम अपनी एक्सरसाइज में डॉकेट की देखेंगे, डिफरेंट हमारे पास एक्सरसाइज है, वहाँ जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास, हमें कॉलम में वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी हमें कॉन्ट्रैक्शन बनानी है। तो किसी भी वर्ड्स की कॉन्ट्रैक्शन या किसी भी वर्ड की कॉन्ट्रैक्शन आप कैसे बनाएंगे? इट इज़ सिंपल कि आपने जो पूरा हमें वर्ड दिया हुआ है, जैसे इट इज़, शी इज़, ही इज़, उसमें हमें क्या करना है, आई हमारे पास जो है, आई का जो वर्ड है, आई का वर्ड हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है, आई का जो अल्फ़ाबेट है वो रिमूव कर देंगे, आई हमें नहीं लिखना। पूरा जो हमारे पास वर्ड है, जैसे अगर शी इज़ है तो शी इज़ में आई हम रिमूव कर देंगे, आई की जगह ऊपर कॉमा आ जाएगा। अगर मैं शी इज़ की बात करूं, अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होगी, इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, शी मैंने एज इट इज़ लिखा, अब मैं आई नहीं लिखना चाह रही, जैसे आई जो है वो रिमूव है, तो आई की जगह मैंने क्या किया, ऊपर कॉमा डाला और एस इसके साथ। तो हमने क्या सीखा या हमने क्या पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्शन में जब भी हम किसी वर्ड की कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो कैसे करेंगे? शी इज़ एक हमारे पास वर्ड था, इसमें से हमने अल्फ़ाबेट आई को रिमूव किया, आई की जगह हमने ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और जो एस है इसका वो वैसे का वैसे ही आ गया। अगर बाकी के अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे कि डू नॉट, एन को हमने ओ के साथ, मतलब पूरा वर्ड कंबाइन करके लिखा, डू नॉट में डी ओ एन कंबाइन करके लिखेंगे, ओ जो है वो हमें रिमूव करना है, ओ की जगह हमने एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगाया, एपोस्ट्रॉफी लगाया और फिर हमने टी डाल दिया। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा कि कितना इजी है किसी भी वर्ड की कॉन्ट्रैक्शन बनाना। आइए हम अपने डॉकेट की एक्सरसाइज पे चलें। जब आप अपना डॉकेट ओपन करेंगे पेज नंबर 54, तो वहाँ आप देखेंगे आपके पास इस तरह से कॉलम में कुछ एक्सरसाइज हैं। आइए हम इसको सॉल्व करें। अच्छा, पहला वर्ड है हमारे पास इट इज़। इट इज़ की जैसे हमने ऊपर भी कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी है, इसका हम क्या लिखेंगे, इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एज इट इज़ सेम। अब हमने पढ़ा कि हमने आई को रिमूव करना है, आई की जगह हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। ऐसे ही इज़ में ही वैसे ही आएगा, एपोस्ट्रॉफी एस। शी इज़ में शी, एपोस्ट्रॉफी एस। डैट इज़ में डैट वैसे ही आ जाएगा, इसकी जगह एपोस्ट्रॉफी और एस। आई विल में आई वैसे ही आ जाएगा, डब्ल्यू की जगह एपोस्ट्रॉफी और डबल एल। ठीक है,
एक्सरसाइज ए मैंने आपको सॉल्व करके दी है, एक्सरसाइज बी आपने खुद से सॉल्व करनी है। देन अगर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, एक्सरसाइज सी एंड डी, एक्सरसाइज सी भी बहुत इजी है, वो भी आपने खुद सॉल्व करनी है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज डी की कि एक्सरसाइज डी हमें कैसे सॉल्व करनी है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्शंस विद द एक्चुअल वर्ड्स। वो हमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ उन्होंने हमें इस एक्सरसाइज में, पहले हमें वर्ड्स दिए हुए थे, हमें उनकी कॉन्ट्रैक्शन बनानी थी, अब हमें क्या दी हुई है, कॉन्ट्रैक्शन दी हुई हैं, हमें उन्हें उनके जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उनमें लिखना है। तो हम फर्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये आई एम है, सेकंड वर्ड से हमें पता चल रहा है ये ए एम एम वाला एम है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई एम नॉट, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही आएगा, सिर्फ हमें जो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है उसको एक्चुअल वर्ड से चेंज करना है। लाइकिंग द कैंडीज, इसी तरह हम अगर सेंटेंस नंबर टू की बात करें, हारून इजेंट माई फ्रेंड। अब आप देख रहे हैं ये इज नॉट, नॉट में ओ की जगह एपोस्ट्रॉफी लगा है, तो हम इसका एक्चुअल वर्ड लिखेंगे, हारून इज नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, इसी तरह हम आ जाते हैं सेंटेंस नंबर थ्री पे। हमने सेंटेंस नंबर थ्री पे, अभी हमारे पास ऊपर कॉलम में डेट इस था, हमने उसकी कॉन्ट्रैक्शन लिखी थी डेट्स, तो हमें पता चल गया ये जो डेट्स है ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन है, डेट इस की। तो हम यहाँ लिखेंगे डेट इस वाई आई। हमने डोंट की कॉन्ट्रैक्शन भी ऊपर पढ़ी थी, डू नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है डोंट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई डू नॉट लाइक यू। इसी तरह हमने सेंटेंस नंबर फोर फाइव एंड देन इसके बाद हमने एक्सरसाइज ई एक्सरसाइज एफ पी एज इट इज सेम ऐसे ही करनी है। जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, जो तरीका मैंने आपको बताया ये बहुत ईजी है, अगर इसको लेके चलेंगे तो आप बहुत ईजीली कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है जो आप एज अ रिमेम्बरिंग याद रख सकते हैं, हमारे पास जो मोस्टली वर्ड आएंगे वो या तो इस वाले होंगे, मतलब इसके साथ कोई भी वर्ड होगा, या फिर नॉट वाले होंगे मोस्टली जो वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जैसे कि आई विल है, तो इसमें दोनों चीज़ें ही नहीं हैं, तो इसमें हम डब्ल्यू रिमूव कर देंगे, डब्ल्यू की जगह हमने एपोस्ट्रॉफी लगा के डबल एल लगा देना है, एपोस्ट्रॉफी लगा कर यहाँ पर हमने आई एज इट इज आ जाएगा, एपोस्ट्रॉफी और डबल एल। अच्छा, हमने जितने भी वर्ड्स हैं मोस्टली अगर हम देखें वो या तो इसके साथ आ रहे हैं या फिर नॉट के साथ आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अगर वर्ड हमारे पास कोई आता है इसके साथ तो हमें उसका जो आई है आई को रिमूव करना है, आई की जगह आ जाएगा एपोस्ट्रॉफी और बाकी जो वर्ड है वो हमें कंबाइन करके लिख देना है। अगर कोई वर्ड हमारे पास आता है नॉट के साथ तो वहाँ हमने एन को रिमूव कर देना है, अगर हमारे पास किसी वर्ड में नॉट आ जाता है तो वहाँ हमें एन को रिमूव करके एपोस्ट्रॉफी लगाना है और बाकी पूरा वर्ड एज इट इज लिखना है। जैसे कि हमारे पास अगर वर्ड आता है डज नॉट, अगर आपके पास वर्ड आता है डज नॉट, तो आप देख रहे हैं हम, अगर मैं आपको नॉट वाला हमने जो बताया है अगर हम वो याद रखें तो अब इसमें क्या आएगा, नॉट नहीं आएगा, डज एज इट इज आ जाएगा, इस एन को हम डज के साथ कंबाइन करके लिखेंगे, ओ की जगह एपोस्ट्रॉफी आ जाएगा टी। अब ये हमारे पास वर्ड क्या बन गया, डजंट। तो ये दो बातें हैं जो आपने याद रखनी है। नंबर वन क्या है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि जब हमारे पास इज आएगा तो उसमें आपने आई को नहीं लिखना, किसको नहीं लिखना, आई को नहीं लिखना, आई की जगह एपोस्ट्रॉफी। और अगर मैं बात करूँ नॉट की, किसी वर्ड के साथ नॉट आ जाए तो वहाँ आपने क्या करना है, वहाँ पर भी आपने एन नहीं लिखना, एन की जगह एपोस्ट्रॉफी लगाना है। मोस्टली वर्ड में आपको यही दो वर्ड्स नज़र आएंगे, या तो इज़ लिखा होगा वर्ड के साथ या नॉट लिखा होगा। ठीक है, आई होप सो वेल कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।